पता नहीं कितना अरसा हो गया था मैंने ऐसे शोज नहीं किए थे. पिछले जो वीक्स गुजरे हैं वो ऐसे वीक्स थे जो बड़े ग्रूसम थे, बड़े क्रिटिकल वीक्स थे. अभी मेरे पास मुफ्ती आसिफ सईद साहब का फोन आया, उनको मैंने जो पहना हुआ वो पसंद आ रहा है. थैंक यू सो मच. मैंने पहले भी कहा है, मैं अब दोबारा कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता तो आज आप हरे भरे सरकार लग रहे हैं. और ये मिंजानी बल्ला है, उस प्रोग्राम की मकबूलियत की एक दलील ये है कि वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो रमजान का चांद नजर आया. क्या बात है, क्या बात, पूरा मौसम ही बदल गया. अल्लाह की रहमत ने आपको आके घेर लिया है. आप यकीन जानिए, ऑलवेज स्टिक टू द टीवी ना, यानी ऐसा बहुत कम होता है. अदरवाइज ये सब इतना दिखा चुके थे कि लोगों ने शुरू में ये सोचा कि अगर ये वही रूटीन का है तो फिर क्या देखेंगे. लेकिन आई थिंक वो डे वन से उसका एक करिश्मा सब लोगों पे रहा है. और अच्छा, उसमें पता है उसमें ज्यादा हाथ जो था वो उन तमाम लोगों का था जिनके साथ मैंने काम किया. बेशक मुफ्ती आसिफ सईद साहब, मुफ्ती बाबर साहब, मुफ्ती कामरान साहब, एंड ऑफ कोर्स जी एम एन नूरी साहब, वो भी उसमें शरीक थे. एंड देन हाफिज तनवीर साहब, वो उसमें शरीक थे. अच्छा, जो केसेस थे नथिंग, सिर्फ एक चीज थी जो हमने एक पॉइंट बनाने की कोशिश की थी, वो हाफिज तनवीर साहब जो इलायची वाले बाबा हमने बनाए थे, बस सिर्फ वो था. उसके अलावा बाकी तमाम की तमाम चीजें, स्पेशली हमारी पूरी टीम जो है वो मुफ्ती आसिफ सईद साहब की बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतना टाइम निकाला, इतना वक्त दिया. जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ना तो हमें नहीं पता था कि क्या होना है, क्योंकि थ्रेट्स तो आते रहते हैं, वो उनको भी थे, वो हमें भी थे, वो मैसेजेस आ रहे थे. लेकिन फिर मैंने, मुफ्ती साहब ने और हमारी पूरी टीम ने बैठ के डिसाइड किया कि नहीं, इसको रिवील तो करना है, बताना तो है. बिकॉज अगर हम नहीं बताएंगे तो पता नहीं कौन सा अदरक वाला बाबा शुरू हो जाएगा, टमाटर वाला बाबा शुरू हो जाएगा, कोई कुछ और शुरू हो जाएगा. तो व्हाट वी वांटेड टू डू इज एक्चुअली स्प्रेड दिस मैसेज कि जी जो वादाउला शरीक है वो सिर्फ खुदा की जात, बिल्कुल उसके अलावा और कोई नहीं. बिल्कुल, और लोग साहिर अपनी हेल्थ, अपना मनी, इवन अपनी इज्जतें तक इन चीजों में गंवा देते हैं. एंड फिर वही बात है कि मिलना आपको कुछ भी नहीं है, गलत दरवाजा खटखटाते रहेंगे, होगा कुछ भी नहीं. कितनी अच्छी बात यह है कि साहिर ने शहर के खिलाफ प्रोग्राम किया. और दूसरी बात यह है कि आपने हक को बातिल की तमीज वहां भी यही है. कि कहां जाना चाहिए कुरान से और अल्लाह के कलाम से इलाज कराना चाहिए. और एक बात मैं फिर अपील करूंगा कि या तो प्रोग्राम वो रिपीट हो या आवाम से कहूंगा कि उसे जरूर देखें, जरूर देखें आपके उस प्रोग्राम के उस आखिरी किस्त को, वरना लोग अब भी इलायची वाले बाबा का पता मांगेंगे. जिन्होंने लास्ट एपिसोड नहीं देखी होगी. नहीं नहीं, हम इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा रिपीट करेंगे. बिल्कुल, आई थिंक ईद के फौरन बाद इसको रिपीट करेंगे. ईद के शोज के फौरन बाद ये पूरी सीरीज में कोशिश करूंगा, मैं बात करूंगा अपने कंटेंट से. आखिरी किस्त तो रिपीट होनी जरूर होनी चाहिए. नहीं, जरूर होनी चाहिए, जरूर जरूर होनी चाहिए. एक टेलीफोन कॉल है फौजिया की, पहले वो लेते हैं फिर उसके बाद आपकी तरफ आएंगे. अस्सलाम वालेकुम जी. अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है. अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 03422075142 यहाँ कॉल करने का नंबर. पहले मुझे तारुफ करवा दीजिए हसीन लोगों का. कौन जी? ये जो हारमोनियम पे है ये मेरे उस्ताद बड़े भाई बदर मियां दास साहब, उनका बेटा है. क्या बात, अली बदर. और ये तबले पे मुइन, और ये शीरी और भोला भाई हैं. इनका नाम क्या है जी? शीरी. शीरी, शीरी नाम है आप? जी शीरी. इतने सारे मर्दों में बैठते हुए आपको अजीब नहीं लगता? मतलब अगर शीरी नाम है ये बशीर से शीरी है. अच्छा, बशीर से शीरी. बेचारे मेरे भाई हमारे शाहजमान साहब. शाहजमान. और यूसुफ भाई है, भोला भाई. और ढोला भाई? भोला, भोला, भोला भाई, भोला भाई. यूसुफ भोला भाई. ओके, तो और कितने साल से टीम आपके साथ है? जब से मैं तकरीबन कर रहा हूँ 15 साल से मेरे साथ. 15 साल से? 15 साल से जी. तो क्या पैदा होते ही शुरू हो गए थे? अच्छा, माशाल्लाह. मतलब वाकई 15 साल, मतलब आदमी का बच्चा पैदा होते ही सुनना शुरू कर देता है. लेकिन उसे क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए ये जानने में उम्र लग गया. अरे, किसी साहब ने ना मेरे पास बड़ा अच्छा एक लतीफा भेजा, कहने लगे ये फिर फोन बज रहा है किसी का, या तो आपका बज रहा है या किसी और का बज रहा है या तुम में से किसी का बज रहा है. जिसका भी फोन बज रहा है वो गलत बज रहा है, जिसका भी फोन बज रहा है छोड़ दीजिए. मेरे पास एक साहब ने, ये आपके लिए है जी. आपकी तो शादी नहीं हुई ना अभी. इस किस्म हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी. इस किस्म के काम करते हुए ना, जल्दी तो हो जाएगी. ये तो मुझे भी, आपने भी उसी लिए कहा. लेकिन इस किस्म के काम करते हुए सोचना चाहिए बंदे को, काफी मरतबा सोचना चाहिए. कि एक साहब ने मुझे एक लतीफा भेजा कि कभी कभी बहुत छोटे छोटे अल्फाज जिंदगी बर्बाद कर देते. अच्छा, नीचे लिखा था जैसे कि कबूल है, कबूल है.
जितनी आप बात करते हैं, यू नो, इंशाल्लाह आप कीजिएगा कीजिएगा। देखो अच्छा भी ये हैरान हो रहा है कि आप सब खुद तो कर लेते हैं, हाँ। इसके बाद दूसरों को मना करते हैं, ये कौन सा काम है? ये इतनी अजीब सी बात है, लोग खुद कर लेते हैं। वाहिद काम है जो तजर्बे के बगैर किया जाता है, तजर्बा क्योंकि बाद में होता है इसलिए बाद में कही जाता है। और हैरत अंगेज तौर पर वो तमाम लोग खामोश रहते हैं जिन्हें इस बात का तजर्बा। जब आपकी शादी हो रही थी, आप देखिए आपके मिलने मिलाने वाले जो शादीशुदा हजरात हैं वो चुप करके तमाशा देख रहे होते हैं, और दूल्हा पागल हो रहा था खुशी के अंदर ना कि आज पता नहीं मैंने कौन सा मार्का मारना है। सब सोच रहे थे 6 महीने के बाद जाकर वो गिरेबान पकड़ के पूछता मुझे बताया क्यों नहीं था। एक टेलीफोन कॉल है रेहाना की, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। जी अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है रेहाना, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे एक हफ्ते एक महीने से मैं आपकी कॉल ट्राई कर रही हूँ। ओके, आज मिल गई, आज मिल गए आपको कॉल। अच्छा जी, आज हर कॉलर जो है उसको हम कोई ना कोई गिफ्ट देने जा रहे हैं, सरप्राइज गिफ्ट है। आज आपको भी हम एक तोहफा देने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए आपको क्या चाहिए, आपको गिफ्ट वाउचर्स चाहिए, आपको अफ्तार डिनर चाहिए, आपको अपनी फैमिली पासेस चाहिए, क्या चाहिए? मुझे ईदी के हवाले से दे दें कोई गिफ्ट। ईदी के हवाले से जी। घर में कितने लोग हैं आपके? घर में 11 फादर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, मुझे कोई इतराज नहीं। ये बताइए 11 में कौन कौन शामिल है? 11 में कौन कौन शामिल है? ज्वाइंट फैमिली होगी, पेरेंट्स हैं और 9 बहन भाई। दो पेरेंट्स और 9 बहन भाई, माशाल्लाह। आप ईदी लेने चले जाओ। नहीं नहीं साहिर, आपकी ईदी बनती है। जी जी बताइए बताइए। जी जी मसला था, मैंने बहुत ज्यादा कॉल किया आपके पास, लेकिन क्या क्या मसला था आपका? तीनों के जादू के हवाले के। क्या क्या था ये? हमारे पूरे घर पे जादू के असर है, बीमारी का मसला है। आप अब भी ये समझती हैं वो पूरे शोज देखने के बाद कि आपके घर पे जादू के असर आते हैं? आप अब भी ये समझती हैं? वो कैसे समझती हैं आप? साहब असरात चीजें तो हैं, हम बहुत ज्यादा मानते थे हम, लेकिन ये अब मानना पड़ा जब मसले मसाई बहुत ज्यादा बढ़ गए। अच्छा अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, आप हम आपको मुफ्ती आसिफ सईद साहब का जरूर नंबर देंगे, उनसे जरूर बात करें। लेकिन ये जो हमने प्रोग्राम किया था ये उन लोगों के खिलाफ था जो जाली पीर जाली आमल होते हैं, ये उनके खिलाफ था। रूहानी इलाज बाहरतौर पे बहुत एहसान और बहुत अच्छा है, हम आपको मुफ्ती आसिफ सईद साहब का नंबर दे देंगे, आप उनसे बात जरूर कीजिएगा, ठीक है? बहुत आसान सी बात मैं भी अर्ज करूंगा, हम लोग खुद पढ़ने से भागते हैं, इसलिए हमें आस्थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर हम खुद कुरान की तिलावत करें और सूरह मुजम्मिल 41 दिन घर में पढ़ें तो जैसे भी असरात होंगे वो भी चले जाएंगे, किसी ने जादू किया होगा तो वो भी उसकी तरफ लौट जाएगा। लेकिन 41 टाइम्स 41 डेज आप अपने घर में पढ़िए, और माशाल्लाह आप में तो पढ़ने वाले काफी हैं, तो मिलके पढ़ लीजिए, पानी पे दम कीजिए, तेल में इस्तेमाल कीजिए, घर में अजान दे दीजिए। जैसे ये मकान है तो पिछली दीवार दरमियान में और बड़े दरवाजे की एक चौखट छोड़ के कोई चीज़ वो चली जाए, फजर और मगरिब के वक्त 3 अजानें दे दें, इंशाल्लाह ताला चीजें चली जाएंगी। एक ख्याल ये रखिए कि फजर और मगरिब के वक्त बाथरूम के दरवाजे बंद रखिए, क्योंकि जो दूसरी मखलूक आती है वो इन वक्तों में आके ठहर जाती है, फिर रात को तंग करती है 12:30-2 बजे तक, तो वो वॉशरूम में चले जाते हैं। सरकार ने दुआ फरमाई ना इरशाद, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन खुब्स वल खबाइस, जब आप बाथरूम में जाएं बाया पांव दाखिल करें और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन खुब्स वल खबाइस, ऐसा मैं तुझसे खबीस चीजों से पना मांग। तो हकीकत अच्छा, तो रेहाना आई होप कि आपको हमारा मैसेज मिल गया होगा और मुफ्ती आसिफ सईद साहब का नंबर भी होगा, वो भी आपको दे देंगे। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली आगाज करेंगे शेर मियादाद से। आपने कहीं नहीं जाना, यस आई एम लविंग दिस शो, रीजन आज मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आज मैं चुप करके बैठा हूँ यहाँ, बहुत खूबसूरत सा माहौल है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे सामने हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे सामने हैं। आप याद रखिएगा जो मैंने आपको समझाया, अच्छी तरह से मशवरे करने के बाद। क्या उम्र है आपकी अभी? उम्र क्या है? 23 साल उम्र है, हाँ अभी 23 साल और मजीद बाकी है, 46 में करना शादी, मशवरा मुझसे करना। 40 में तो दूसरी हो सकती है सर, 25 में। अच्छा जी, अच्छा दूसरी शादी के बारे में जब वापस आते हैं ना तो जरा बात करते हैं दूसरी शादी के बारे में, कादी साहब से आज बात हो जाए दूसरी शादी के बारे में। ये सोच एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, आइए जी।
आप तो ऐसे डर गए, मैं तो हल्की सी इंग्लिश में आपको भाव किया है। Yes, थोड़ा हटके। ओए मैं 14 इजा का तो कोई आम इंसान नहीं हूँ मैं। He is filthy. ये दिल जो प्यार करेगा। He is a super fan. तो मारता काम तो घसीटता ज्यादा। He is.